हेलो गाइस, वेलकम टू माय ब्लॉग। तो आज मेरे हस्बैंड का बर्थडे है तो मैं उसका ब्लॉग बना रही हूँ। तो आप लोग ऐसे ब्लॉग देखने के लिए और मेरे साथ जुड़ जाइए। और देखिए मैंने क्या किया, मैंने सारा खाना एक जो बना लिया, सब कुछ पूड़ियाँ थोड़ी सी बची थी। और मेरे हस्बैंड ने बोला था कि मैं आज आऊँगा बाबू का, बाबू को मैंने बोला जल्दी आ जाना, मुझे खाना बनाना पड़ेगा, फिर बाबू को लेने जाना पड़ेगा, फिर बहुत देर हो जाएगा और फिर मैं यहाँ खाना बनाऊँगी, फिर पसीना पसीना हो जाऊँगी। तो मेरे हस्बैंड का मैं उनका फ़ोन ऑफ आ रहा था, मैं फ़ोन लगा रही थी और उनका फ़ोन लग नहीं रहा था, उन्होंने मैसेज भी नहीं छोड़ा और मैं परेशान हो गई। फिर मुझे देखिए मैं रेडी हो गई थी बाबू को लेने के लिए, मैं तो घर के कपड़ा पहने हुई थी। और फिर जब मैं तैयार हो गई तब वो आ गए, तब वो वही लेने जाएंगे। तब मैंने सोचा आप ब्लॉग बना लेते हैं और एसी रूम में आ गए हैं। अभी पूड़ियाँ बची हैं, पूड़ियाँ तलना था, उसके बाद मुझे नहाना थी, बॉल वॉल भी वॉश करना था, क्योंकि बॉल वॉश नहीं किए थे, वो भी धुला था। और शाम का मैं ब्लॉग अलग से दिखाऊंगी, जब अभी कपड़े भी प्रेस इस्त्री करने, कपड़े प्रेस कर लेंगे और उधर का सब करने के बाद नहाएंगे। और फिर शाम को केक कटिंग होगी, वो भी आपको दिखाएंगे, खाना भी सारा आपको दिखाते हैं और आप लोग इंजॉय करें। देखिए ये वाला ब्लॉग इंटरेस्टिंग ब्लॉग है, क्योंकि पहले ब्लॉग देखिए हम लोग करना नहीं चाह रहे थे, मेरे बेटे ने जिद किया तो बच्चे की खुशी के लिए करना पड़ता ना, बच्चे की खुशी के लिए माँ बाप को इतना, तो इसलिए हम लोग करें। और तो ब्लॉग भी बना लेते हैं, तो जब कर रहे हैं तो ब्लॉग भी बना लेते हैं। तो आप देखिए आप मिलते हैं अभी, जब अगली चीज़ दिखाएँगे तो उसमें मिलते हैं। ओके ऐसे आप लोग देख सकते हैं, देखिए पूड़ियाँ तल पूड़ियाँ निकाल रहे हैं, आधी पूड़ी बना लिए थे और यही था कि बाबू को लेने जाने पड़ेगा, मगर बाबू को तो पापा आ गए, बहुत टाइम किया, अगर नहीं आएंगे तो फिर तुरंत तुरंत तैयार नहीं हो पाएंगे ना, तो इसलिए मैंने सोचा तैयार हुए हैं तो ब्लॉग भी बना लेते हैं, वरना आएँगे भी मुझे फ्राइडे को बॉल को वॉश करते हैं। तो आज मैंने मॉर्निंग में ऐसे ही मार लिया था, तो सैटरडे रहेगा इसलिए आज दोनों को सारा बेल लेंगे, उसके बाद इसको निकाल लेंगे, सारा खाना बना लेते हैं, शाम को फ्री हो जाते ना, फिर बर्थडे वर्डे में ऐसे ही करते हैं। आप लोग कैसे करते हैं, जब कर लेते हैं बताइएगा, जब बर्थडे होता है तो मैं ऐसे ही करती हूँ, क्योंकि मुझे अकेले बनाना पड़ता है इसलिए मैं पहले ही बना लेती हूँ। सारा पैर में बना रही हूँ, फ्री हो जाती हूँ फिर बाकी सीजन जाए केक करते हैं, जो कुछ होता है और इतना सारा व्यंजन रहता है तो सारा पहले बना लो, ज़्यादा बेस्ट रहता है। आपको दिखाएंगे क्या क्या बनाया, मैंने कढ़ी बनाया है और गुलगुले बनाए, थोड़े से बनाए मेरे हस्बैंड बना कर, फिर मैंने थोड़े से बनाए और सेवैयाँ बनाई, जो आज फ्राइड को खीर बनती है तो खीर वाली सेवैयाँ, हलवा बनाया है और पनीर बनाया है और जीरा राइस बनाया है, और कचौड़ियाँ भी बनाने की सोच रहे थे मगर दाल भी आई है तो कचौड़ियाँ, अब दाल भी चटनी भी, आलू की चटनी बहुत अच्छी लगती है, इसे सब खाने पूरी बहुत अच्छी। आप लोग की पूरी का शेप कैसा होता है, इस तरह गोल गोल देखिए, छोटा बनाते कि बड़ा, मेरा तो साइज वाइज में बड़ा भी बनाती हूँ छोटा, आप लोग अपना साइज बता दीजिए वैसे बनाएंगे। हमें पूरी बनाते समय नाम जप करते रहे, नाम जप हर समय करते रहे, काम करते हुए नाम जप करना तो बहुत बेस्ट होता है, कि ऐसे तो सब लोग नाम जप करते हैं लेकिन जब काम जप तो भगवान ज़्यादा खुश होते हैं, तो इसलिए काम करते हुए नाम जप। तो अभी और चीज़ दिखाएंगे, जो मैंने जो जो डिशेज बनाई है वो आपको दिखाऊंगी, पूड़ियाँ तल लूँ उसके बाद। आ गए हमारे बाबू, कैसा हुआ आपका ओरल? फुल मार्क्स। ओके वेरी गुड, वेरी गुड बोल रही है तो फुल मार्क्स वेरी गुड बोलेंगे ना। केक भी आ गया है, देख दिखाता हूँ, ये केक है देखिए, ऐसे का देखते हैं, अब वो कटेगा तब देखना, अभी ऐसे। हैप्पी बर्थडे बॉय, देखो जा रहे हैं बर्थडे बॉय, हैप्पी बर्थडे बॉय, बर्थडे बॉय, तो सारा डे बन गया व्यंजन। पापा की मौज करनी है, पापा मौज किससे करेंगे बताओ, और जल्दी से नहा लो और फिर हम भी नहाना, फिर हम भी ना, देखो नहा के आ गए हैं और सेकंड बॉय जा रहे हैं, उधर चले गए हैं, अभी खाना देते हैं इन लोग को, कपड़ा देखो कितने सारे प्रेस करने को रखे हैं,
कपड़ा प्रेस करते हैं और फिर शाम को केक कटिंग होगी। ठीक है तब। हेलो, तो मैं खा रही हूँ पनीर की फेवरेट है तो पनीर खा रही हूँ। पकौड़े इनके फेवरेट हैं, पकौड़े भी बनाए हैं चटनी के साथ। अभी मिलते हैं रात में केक कटते हैं। मैं रेडी हो गई, तो आज मतलब फ्राइडे है तो उस दिन पिंक या वाइट पहनते हैं, मगर सावन का महीना चल रहा तो सब लोग ने ग्रीन पहन लिया है, तो मैंने भी ग्रीन पहन लिया है क्योंकि बर्थडे का कोई प्लान नहीं था, कोई कपड़े मंगाए नहीं, जो पहले के तो रखे थे वही वाले कपड़े पहन लिए। मैं सब लोग के पास ग्रीन था तो ग्रीन पहन ली, उसके साथ मैंने ये टॉप कैरी कर लिया है वाइट। और तो बताइएगा कैसे लग रही हूँ। ये ब्लॉक में अभी केक कटिंग होने जा रही है, मैं रेडी हो गई हूँ। तो गाइस देखिए पापा का केक कटिंग होने जा रही है, तो आप लोग देख सकते ये भी बोल दो की काटते गली पर उसको गाइस देखिए मैं बैठ के ठीक काट ले जा रही हूं। कैसे लगे मुझे काटते हैं बाबा को कैसा लग रहा है ये जगह है कि नहीं। आप लोग और सब लोग देखने के लिए तैयार करें।
गाइस देखिए मैंने मेकअप अपना पूरा रिमूव कर दिया है और अब रात हो गया, रात के 10 बज गए हैं। तो अब हम लोग सोने के लिए तैयार हो गए हैं, खाना वाना खा लिया है, केक कट चुका है। तो मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। अब जो भी बर्थडे पार्टी या कुछ ऐसा होगा तो मैं ब्लॉग बनाऊँगी, आप लोग के प्रोवाइड कराऊँगी, आप लोग देखिए इंजॉय करिए। और मेकअप रिमूव का भी वीडियो बना दूँगी, अभी मैंने जल्दी में कर दिया, कैसे करते हैं सब मैं बताऊंगी। तो मिलते हैं, गुड नाइट, बाय बाय, टेक केयर।